गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, जीबीएम कॉलेज गया से। बच्चों, आज होम साइंस में के चाइल्ड डेवलपमेंट जो यूनिट है उससे हम जो आपका चैप्टर लेकर के आए हैं वो है प्ले। प्ले यानी कि खेल। बच्चों के लिए खेल की क्या क्यों आवश्यकता है और बचपना अवस्था में इस खेल का क्या महत्व है, इसके विषय में आज हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा डेवलपमेंट ऑफ प्ले इन चाइल्डहुड। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनके कंटेंट पर बात करेंगे। तो जो आज हम सबसे पहले डील करेंगे वो है मीनिंग, यानी खेल का अर्थ क्या है। दूसरा है खेल की परिभाषा। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड वर्क, यानी कि खेल और कार्य में क्या अंतर है। चौथा, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, यानी खेल का क्या महत्व है। पांचवा, फैक्टर अफेक्टिंग चिल्ड्रंस प्ले, यानी कि खेल को कौन कौन से तत्व हैं या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। और अंत में है टाइप्स ऑफ प्ले, यानी कि खेल को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें अर्थ की। तो एक हम फोटो के माध्यम से आपको ये बताना चाहेंगे कि चिल्ड्रेन नीड द फ्रीडम एंड टाइम टू प्ले। प्ले इज़ नॉट अ लग्जरी, प्ले इज़ अ नेसेसिटी। ये लग्जरी नहीं है बल्कि एक आवश्यकता है बच्चों के लिए। रेडफील्ड जेम्सन ने इसको व्यक्त किया है। अब हम खेल के अर्थ पर आते हैं। तो खेल के अर्थ को कई शब्दों में और कई शिक्षाविदों ने अपने अपने तरीके से इसको समझाया है। तो खेल के अर्थ को अगर हम देखें तो बच्चों का खेल जो होता है एक स्पॉन्टेनियस यानी कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सेल्फ मोटिवेटेड होती है और एक प्लेजर के लिए, आनंद के लिए बच्चे करते हैं। ये बालक के जीवन में एक तरह से आनंद लाते हैं, उत्साह लाते हैं, स्फूर्ति लाते हैं और स्वतंत्रता के भाव भी उत्पन्न करते हैं। देखो बच्चों, बालक के जीवन में दो क्षेत्र हैं। एक तो पहला होता है प्ले और दूसरा होता है वर्क, ठीक है। तो बाल्यावस्था तक बालकों का संबंध किससे होता है, खेल से होता है, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो है कार्य में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में खेल, ड्रामा, आर्ट और संगीत जैसे विषयों के माध्यम से टीचर्स क्या करते हैं, वो शिक्षा देते हैं। आजकल तुम देख रहे होगे कि इंटरनेट पर चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, उसको प्लेवे माध्यम से यानी खेल के माध्यम से इतना सुगम बना दिया गया है कि बच्चे इसको आसानी से सीख सकते हैं। यानी कि वो सारी क्रियाएं जिसमें बच्चों को आनंद की प्राप्ति होती है और जो बिना किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। और पियाजे ने तो इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि प्ले कंसिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सेज रिपीटेड प्योरली फॉर फंक्शनल प्लेजर, यानी कि आनंद के लिए की जाने वाली वो संपूर्ण क्रियाएं क्या हैं, खेल हैं, ठीक है ना। और इसके बाद प्ले इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सोशलाइजेशन, यानी कि जो प्ले है, खेल है, उसके माध्यम से बच्चा सामाजिककरण की विभिन्न प्रक्रियाओं को सीखता है, समाज के नियमों को सीखता है। Family and school have acknowledged the educational value of play by introducing into the curriculum organized games and sports, dramatics, singing and arts. मतलब कहने का मतलब है कि खेल वो माध्यम है जो बच्चों को पूरी तरह से सामाजिक बनाता है, चाहे उसमें संगीत हम डालें, चाहे वो ड्रामा के माध्यम से हो, गाने के माध्यम से हो, चाहे वो विभिन्न माध्यम, विभिन्न तरीका अपनाएं, वो पूरी तरह से बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी होता है और बच्चे बिना किसी उद्देश्य के इसको पूरा करते हैं। अगले जो बात हम टॉपिक पर करेंगे वो है डेफिनेशन पर। तो देखते हैं कि विभिन्न लोगों ने किस प्रकार से खेल को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले है रसिल ने परिभाषित करते हुए कहा है कि प्ले मे बी डिफाइंड एज अ जॉयफुल बॉडली और मेंटली एक्टिविटी विच इज सफिशियंट टू इट्सेल्फ एंड डज नॉट सीक एन अल्टीरियर गोल्स। मतलब
हील एक आनंददायक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है जो अपने आप में एक तरह से कंप्लीट है और जिसका कोई लक्ष्य प्राप्त करना कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। यानी कि रसेल के अनुसार गेम खेल किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया हो सकती है जो किसी बिना किसी उद्देश्य के की जाती है। अगला क्रो एंड क्रो ने किस तरह से डिफाइन किया इसको देख लो। प्ले कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिवली इन विच अ पर्सन इंगेजेस व्हेन ही इज फ्री टू डू व्हाट ही वांट्स टू। यानी कि खेल वो क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। मान लो बच्चा खाली है, स्वतंत्र है, तब वो ये खेल की प्रक्रिया करता है और जिस यानी कि एक तरह से कहें कि जिस कार्य को बच्चा करना चाहता है वो उसके लिए क्या है, खेल है। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हो, बच्चा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है वो उसके लिए यानी वो लेजर टाइम खाली टाइम में वो जो भी एक्टिविटी करता है वो उसके लिए क्या है, खेल प्रक्रिया है। अगला हम इसको कंटिन्यू रखते हुए अगली परिभाषा देखते हैं जो बेथिनम ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है कि प्ले एक्टिविटीज आर दोज हैविंग नो रूल्स अदर देन दोज द प्लेयर हिमसेल्फ इम्पोजेज एंड नो इंटेंडेड इन रिजल्ट इन एक्सटर्नल। यानी कि जो खेल क्रिया है वो कि उसमें किसी प्रकार का कोई नियम या कानून नहीं होता है और कोई भी खिलाड़ी उसको अपने हिसाब से खेलता है और इसका कोई रिजल्ट यानी कि कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो बालू मिट्टी लेकर के कोई घर बना रहा है, यानी वो अपने खाली या स्वतंत्र समय में वो उस प्रक्रिया को कर रहा है, उस प्रक्रिया के पीछे उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो उसके लिए क्या है, एक खेल की प्रक्रिया है। जैसे देखिए यहाँ पर बच्चे हैं वो बिना किसी उद्देश्य के बैठ करके कोई भी प्रक्रिया अपने खाली समय पे कर रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड वर्क। बच्चों हम लोग कई बार क्या समझते हैं, काम को और खेल को दोनों को एक ही प्रक्रिया मान करके बात करते हैं, बल्कि दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं तो खेल जो है, हम अगर हम परंपरागत धारणा की बात करें तो खेल और काम को ज़्यादातर हम लोग एक धारणा मान करके चलते हैं, ठीक है। और जो कार्य उद्देश्यपूर्ण होते हैं और जिनसे व्यक्ति को लाभ पहुंचता है उसको हम कहते हैं कार्य है। इसके विपरीत अगर हम बिना उद्देश्य और बिना लाभ वाली क्रिया करते हैं तो वो क्या है, वो खेल है। यानी कि एक तरह से हम बात करें तो खेल में स्वतंत्रता का भाव होता है और ये बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल में बच्चा इस बात के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि जब वो चाहे वो खेले, जब वो चाहे ना खेले, और वो खेल बंद कर सकता है, उसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। और जबकि कार्य में क्या है, वो स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता है, कार्य उसे करना है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस कार्य को उसे करना है और उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचना है। इसी तरह से अगर कहा जाए तो खेल में बालकों को एक तरह से आनंद आता है, बच्चे जोश में आते हैं, लेकिन अगर वही उनको कार्य दे दिया जाए और बच्चे उस कार्य को करना नहीं चाहते हैं तो बच्चे के अंदर कोई भी आनंद या उत्साह नहीं आता है। तो हरलॉक ने इसको डिफाइन करते हुए कहा कि मैनी पीपल ट्राई टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्क एंड प्ले एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी मे बी क्लास एक्सक्लूसिवली एज इधर बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टूवर्ड इट। कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल इज अ फॉर्म ऑफ प्ले फॉर अ चाइल्ड और एन एडल्ट हु मेक्स इन अ हॉबी बट इट इज वर्क फॉर द पर्सन हु कलेक्ट टू सेल फॉर अ प्रॉफिट। यानी कि खेल बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी लक्ष्य के और बिना किसी परिणाम के लिए किया जाता है, और जबकि कार्य जो है वो किसी परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया है और जिसमें हमें लाभ की प्राप्ति होती है। अगला हम बात करेंगे टाइप्स, खेल को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके भी कई प्रकार हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़, यानी कि क्रिया के आधार पर खेल को कितने भागों में बांटा गया है।
उसके बाद है अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ पीयर ग्रुप, यानी कि समूह के साथी समूह के संख्या के आधार पर खेल को कितने भागों में बांटा गया है, और अगला है अकॉर्डिंग टू स्पेस यानी स्थान के आधार पर खेल को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल प्ले। फिजिकल प्ले का मतलब होता है वो खेल जिसमें बच्चे की शारीरिक क्रियाएं मौजूद होती हैं, शारीरिक क्रियाएं जिसमें बच्चा कोई भी कार्य करता है। जैसे शारीरिक खेल वे खेल होते हैं जिसमें बालक का शरीर मस्तिष्क की अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। जैसे छोटा बच्चा है वो मान लो लेटी हुई स्थिति में हाथ पैर पटकता है, बॉल फेंकता है, या दौड़ता है, बड़ा होता है दौड़ता है, यानी उसके मसल्स काम कर रहे होते हैं वो, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो वो उसका कौन सा खेल है, फिजिकल। जैसे फुटबॉल खेला, बैट बॉल खेला, या अपने बॉल खेला, कूदा दौड़ा, तो वो उसका फिजिकल खेल है। जबकि मेंटल जो दूसरा है वो मेंटल अगर खेल को देखें, यानी कि मानसिक खेल को देखें, तो मानसिक खेल वो खेल है जिसमें बालक का मस्तिष्क शरीर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील रहता है। ठीक है, जैसे मान लो हम तुमको पहेली दें तो पहेली सॉल्व करने के लिए तुम्हारा फिजिकल वर्क की ज़रूरत नहीं है, मेंटल वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, किससे कहानी सुनाएं और उसका तुम्हें कहें कि तुम रिजल्ट बनाओ, ताश खेलो, शतरंज खेलो, इसमें क्या है, बुद्धि का खेल है, बुद्धि लग रही है, तो ये कौन सा खेल है, मेंटल खेल होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चलते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ पीयर ग्रुप। इसमें सबसे पहले है पैरेलल खेल। पैरेलल गेम को कहते हैं कि सहचर्य खेल या समांतर खेल कहते हैं, सॉरी समांतर खेल कहा जाता है, जिसमें बच्चे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के खेलेंगे एक साथ, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के अलग अलग खेल खेलते हैं। एक बच्चा किनारे बैठ करके पजल सॉल्व करेगा तो दूसरा बच्चा किनारे बैठ करके ड्राइंग करेगा, तो खेलेंगे साथ साथ लेकिन उनका खेल जो है वो अलग अलग होगा। दूसरा होता है एसोसिएटिव प्ले यानी कि सहचर्य खेल। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं, ठीक है, और इस अवस्था में उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यता का विकास और सामाजिक विकास, एक तरह से दोनों विकास होता है, क्योंकि बच्चे ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं और ग्रुप में खेल करके वो एक तरह से सोशल डेवलपमेंट भी उनका होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के खेल के से बच्चों में क्या आएगी, एक क्यूरियोसिटी और जन्म लेती है, बच्चे अकेलेपन का अनुभव नहीं करते हैं और ग्रुप में वो कई बातें सीखते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार के खेल को एसोसिएटिव गेम्स कहते हैं। और अगला है कॉपरेटिव यानी कि सामूहिक खेल, जिसमें तीन या अधिक बच्चे मिलकर के एक ही गेम को खेलते हैं। मान लो एक पजल है, उसको तीन बच्चे एक साथ मिलकर के सॉल्व कर रहे हैं, वो कॉपरेटिव गेम है। ठीक है ना, मान लो गुड़िए गुड्डे के साथ खेलना, आँख मिचौली खेलना, बचपन में थे तो आइस पाइस खेलना, ऊंच नीच खेलना, या इससे क्या होता है, बच्चों में एक तो लीडरशिप डेवलप होगा, फिर सोशल डेवलपमेंट होगा, और बच्चे एक जो होता है एक डिसिप्लिन भी सीखते हैं कि ग्रुप में हमें कैसे परफॉर्म करना है। तीसरा हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस यानी स्थान के आधार पर खेल को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला है इंडोर। इंडोर गेम का मतलब होता है जो कि घर के अंदर खेला जाता है, जो जैसे कि लूडो, शतरंज, या बैठ करके कमरे के अंदर पजल सॉल्व करना, या अंदर कमरे के अंदर बॉल खेलना, इस तरह की जो भी एक्टिविटी जो चार दीवारी के अंदर खेली जाती है वो इंडोर। जैसे 10 बच्चों को नर्सरी स्कूलों में क्या होता है, इंडोर गेम और आउटडोर गेम सिलेबस में होता है, तो इंडोर गेम में टीचर बच्चों को गोला बना करके खड़ा कर देती है और कहती है बास्केट में क्या करो, बॉल डालो, तो इस तरह के गेम्स जो हैं इंडोर गेम होंगे। जबकि आउटडोर गेम, वही गेम को जब हम कमरे के चार दीवारी से बाहर निकाल करके बच्चों को खिलाते हैं तो वो आउटडोर, जैसे फुटबॉल खिलवाना, बैट बॉल खिलवाना, बॉल को ही खिलवाना, तो कमरे के भीतर बाहर निकल करके जो गेम हम लोग बच्चों को खिलाते हैं वो आउटडोर गेम कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इस
गेम से, आप जैसे कि फिजिकल और मेंटल गेम का उदाहरण दे दें तो एक चित्र के अनुसार हमने इस उदाहरण को दिया है। तो फिजिकल गेम में आप देख सकते हो बच्चे ग्राउंड में बैट बॉल खेल, अरे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिससे उनका मसल्स डेवलप हो रहा है, यानी एक तरह से कहें कि फिजिकल मोटर डेवलपमेंट दोनों चीज़ें हो रही हैं। और मेंटल डेवलपमेंट के लिए जो मेंटल गेम्स होते हैं, देख रहे हो बच्चे मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं। दूसरा आप देख सकते हो जो गेम का टाइप बताए थे, पैरेलल गेम में आप देख सकते हो कि दो बच्चे एक साथ गेम खेल रहे हैं लेकिन अलग अलग खेल रहे हैं। उसी तरह से एसोसिएटिव गेम देख सकते हो, तो एसोसिएटिव गेम बच्चे एसोसिएट होकर के आपस में गेम खेल रहे हैं। और कोऑपरेटिव गेम जिसमें एक ही गेम को बच्चे, कई सारे बच्चे मिलकर के सॉल्व कर रहे हैं, यानी सहचर्य, यानी आपस में मिलजुल करके सहभागिता के साथ बच्चे खेल रहे हैं। इसको और एग्जांपल से एक बार बताया गया है कि पैरेलल प्ले क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरा, इसी को हमने फिगर के थ्रू डिफाइन किया है, एसोसिएटिव प्ले क्या होता है। और तीसरा जो है ये कोऑपरेटिव प्ले क्या होता है, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इंडोर गेम का आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। इंडोर गेम जैसा बच्चे कमरे के अंदर बैठ करके खेल रहे हैं, और आउटडोर गेम में जैसा कि फिगर में देख रहे हो बच्चे बाहर ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, आइस पाइस खेल रहे हैं, छुआ छुआन खेल रहे हैं, जो हम लोग पुराने समय में अपना खेलते थे। तो ये इंडोर आउटडोर गेम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि मतलब घर के अंदर खेले जाने वाले खेल और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले क्या है, यानी कि जब खेल को इतना महत्व दिया गया है तो जाहिर बात है कि इस प्ले का कुछ बच्चों के जीवन पर इफ़ेक्ट पड़ता होगा। तो ये क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो फिजिकल, सोशल, एजुकेशनल, लैंग्वेज या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस प्ले के द्वारा होता है। यानी कि आप इसको देख सकते हो कि थ्रू प्ले चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज, स्किल्स, इमोशंस, क्रिएटिविटी, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल, यानी कि एक तरह से कहें तो भाषा का विकास, संवेगात्मक विकास और सृजनात्मकता का विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास खेल के माध्यम से होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है, व्हाट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के क्षेत्र में किस प्रकार से खेल जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। अब आप ही देखिए, जब बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल खेलने में बच्चे की टांग यानी पैर से वो खेल रहा है, तो पैर का मसल्स प्लस दौड़ रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट पूरी तरह से हो रहा है, उसकी एक्सरसाइज हो रही है, बोन्स उसके जो है मजबूत हो रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि इस खेल के द्वारा बच्चों का पूरी तरह से शारीरिक विकास हो रहा है, जिसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, मसल्स कोऑर्डिनेशन है, नर्व्स पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, बोन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि खेल बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है इनकरेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। आप देखते हो जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उससे क्या होता है कि कई सारी भाषाएं सीखते हैं, तो आपस में एक दूसरे साथ बच्चे, जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं, अरे यार, अरे वो तो गिर गया मोटू की तरह, अरे पतलू की तरह खड़े हो जाएं, तो एक तरह से कहें कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करना सीखते हैं, कई सारी चीज़ें अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। तो गेम ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से क्या है कि बच्चे अपनी पूरी तरह से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, अगला है, अगला आप देख सकते हो कि आउटलेट फॉर पेंट अप इमोशनल एनर्जी। कभी कभी क्या होता है, ये गेम जो है बच्चों को इमोशंस डेवलप करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि जैसे खेल में बालक को अपने विभिन्न जो इमोशन हैं उनको अनुभव करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे मान लो
कि कुछ ऐसा मान लो गेम दे दिया जाए जिससे बच्चे रो करके हंस करके व्यक्त करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं। मान लो गेम खेले, उनको अच्छा लगा, वो ताली बजा बजा करके खुश होते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो एक तरह से होता है कि अपना, या उन्हें कोई गेम पसंद नहीं आया, वो रो करके चिल्ला करके अपने उस क्रोध भावना को भी प्रकट कर देते हैं। तो एक तरह से कहें कि खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर इमोशनल एनर्जी भी डेवलप होती है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हुए अगला देखते हैं, नीड एंड डिज़ायर, यानी कि बच्चे की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति भी इसके माध्यम से होती है। ठीक है, मान लो बच्चा चाहता है कि जैसे बेंडुरा ने बताया था कि लर्निंग थ्योरी के माध्यम से बताया था कि बच्चे अगर फ्रस्ट्रेशन निकालना हो, बच्चे को डांटना हो, और बच्चे ने देखा है कि मार करके, टीवी में देखा है कि किसी खेल खिलौने को मार करके बच्चे अपनी क्या होती है ऐसी अपनी भावनाओं को निकालते हैं, तो बच्चे की ये नीड है कि वो अपने टेडी बियर पर या हिट करने वाले पर मार करके अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं और अपनी इच्छाओं को भी व्यक्त करते हैं। मान लो उसके पास छोटा सा खिलौना है, वो अपने को दोस्त बनाता है, उससे बातें करता है, तो ये सारे डेवलपमेंट जो हैं वो गेम्स के थ्रू होते हैं। सोर्स ऑफ लर्निंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अधिगम प्रक्रिया जो है, यानी सीखने की प्रक्रिया जो है, इसके द्वारा यानी खेल के माध्यम से भी होती है। जैसे मान लो बच्चे पजल बनाना सीखते हैं, तो पजल से वो क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बनाना सीख लेते हैं, नाव बनाना सीख लेते हैं। तो बच्चे और खेल खेल में माध्यम से बच्चे सीखते हैं कि उनका स्पॉन्टेनियस रोल क्या है। तुम लोग देखते होगे कि बच्चा अगर घर घर खेलते हैं तो जनरली लड़का जो है फादर का रोल करता है, लड़की जो है मदर बनती है, बहन बनती है। तो अपने कैरेक्टर के बारे में भी सीखते हैं, जानते हैं कि वो उन्हें कौन सी चीज़ें, किस कैरेक्टर में उन्हें प्ले करना है, और बहुत सी सीखने वाली प्रक्रिया भी बच्चे इस खेल के माध्यम से सीखते हैं। अगला है क्रिएटिविटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ रचनाएं बच्चे खुद से करते हैं। जैसे उनको आटे की, पहले ज़माने में क्या होता था, आटे की लोई माँ दे देती थी, बच्चे उससे गुड़िया बनाती थी, चिड़िया बनाते थे। आजकल बच्चे बालू मिट्टी से क्या करते हैं, सैंड या क्ले मॉडलिंग कहा जाता है, क्ले मॉडलिंग के थ्रू बच्चे क्या करते हैं, उससे कई सारे डिज़ाइंस बनाते हैं, बिल्ली बनाते हैं, अपनी दिमाग पर जो चलता है जोर दे करके, जो वो चाहते हैं वो उस चीज़ को बनाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है इसी खेल के माध्यम से। जैसे कि देखो, कई सारे खेल बच्चे करते हैं जिससे कि उनके उत्साह में वृद्धि होती है, क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है, लर्निंग आती है और उनके डिज़ायर भी फुलफिल होते हैं। अगली बात हम करें तो अगला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंसाइट, यानी कि जो आत्मदृष्टि जो उनके अंदर होती है उसका भी विकास होता है। कि जैसे वो स्वयं क्या है, वो क्या है उनके बारे में वो पूरी तरह से जानने की योग्यता रखते हैं और दूसरों से संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो और अपने रोल्स भी सीखते हैं बच्चे। इसके साथ ही देखा जाए तो लर्निंग टू बी अ सोशल, यानी कि सामाजिक बनने का भी उनके अंदर एक जो है वो विकास होता है। बच्चे सीखते हैं कि मेरा समाज में क्या रोल है, हमको नमस्ते करना, खेल खेल के माध्यम से टीचर सिखाती है कि क्या चीज़ हमें, हमारी सही जो है सामाजिकता क्या है, सामाजिक हमारे नियम क्या हैं, ग्रुप में बच्चे खेलते हैं, शेयरिंग सीखते हैं और कॉपरेशन सीखते हैं, ये सारी बातें जो है खेल के माध्यम से सीखते हैं। अगला है मोरल स्टैंडर्ड्स, यानी कि कुछ नैतिक शिक्षा भी बच्चे सीखते हैं खेल खेल से के माध्यम से। बच्चे अगर दादा दादी का रोल करते हैं तो आशीर्वाद देते हैं और प्रणाम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग देखेंगे कि जो नर्सरी स्कूल्स हैं, प्लेवे स्कूल्स हैं, उनके जो सिलेबस हैं वो इन्हीं डेवलपमेंट को रख करके प्लेवे माध्यम के थ्रू
किया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों को हम लोग एडल्ट समझ करके हम उनको एजुकेशन या ट्रीट नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि शिक्षा की ऐसी पद्धति डेवलप की जाए जो खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा दे। तो खेल के माध्यम से बच्चों में इन इन चीज़ों का विकास करना उनका प्रथम उद्देश्य होता है। जैसे आप देख सकते हैं कई बच्चे क्रिएटिविटी में लगे हुए हैं, कुछ बच्चे अपना स्पॉन्टेनियस खेल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी फीलिंग को उजागर कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, सेल्फ इंसाइट्स उनके अंदर डेवलप हो रहा है। इसके साथ आप देखेंगे लर्निंग टू प्ले एप्रोप्रिएट सेक्स रोल। अभी मैंने आपसे बात की है कि लड़के, आप ज़्यादातर देखो जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, लड़के बैट बॉल की तरफ उनका रुझान बढ़ता है, लड़कियां किचन सेट खेलने की तरफ होती हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब लड़के लड़कियों का जो खेल है वो एकदम सामान्य है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी ट्रेट, यानी कि बच्चे के अंदर ट्रेट डेवलप होता है। अब जैसे मान लो आजकल जो गेमिंग्स आ गई हैं कई तरह की, तो आजकल के गेमिंग्स क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का ट्रेट चेंज हो गया, टेस्ट भी चेंज हो गया है। बच्चे पबजी वगैरह के गेम खेल रहे हैं, अब उनके अंदर क्या है, चार दीवारी के अंदर बैठ करके खेलने की प्रक्रिया उनको करनी है। तो इस तरह की सोच रख करके गेम जो है प्लान किए जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बच्चों के लिए गेम जो है उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, मॉरल डेवलपमेंट करता है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इनसाइट डेवलपमेंट है, लर्निंग है, ये सारी जो है खेल के माध्यम से बच्चों के अंदर आ सकती हैं। अब कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे की खेल प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला हेल्थ। अब आप सोचिए, अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, वो सदैव बीमार पड़ता है, उसका पोषण स्तर ठीक नहीं है, तो वो खेल की प्रक्रिया को भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा, वो चिड़चिड़ा रहेगा, वो जल्दी थक जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि अगर बच्चा स्वस्थ तरीके से खेले तो उसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहना चाहिए। ऐसे में उसके पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है, उसके खान पान का पूरी तरह से ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा है मोटर डेवलपमेंट। ये भी याद रखें कि बच्चों की जो क्रियात्मक कौशल है उनका भी विकास करें, क्योंकि अगर मोटर मांसपेशियां विकसित नहीं होंगी, आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बच्चे पूरी तरह से जो खेल प्रक्रिया है उसको नहीं कर पाएंगे। यानी मोटर एक्टिविटी भी बच्चों के खेल प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अगला है इंटेलिजेंसी। बच्चे मानसिक खेल नहीं खेल पाएंगे अगर उनकी बुद्धिलब्धि उनके आयु के अनुरूप नहीं होगी। तो बच्चों को अवसर दिया जाना चाहिए, उनको प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो मानसिक क्रियाओं को करें और पजल सॉल्व करें। कुछ सिचुएशन ऐसा उनको दिया जाए कि बच्चे उसमें फंस करके सिचुएशन को सॉल्व करें और उनके अंदर बुद्धिमत्ता विकसित हो, क्योंकि जितना ही इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो गेम को बहुत अच्छी तरह से खेल पाएंगे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। सेक्स भी जो है वो बच्चे के गेम्स को इफ़ेक्ट करता है। जैसे लड़कियां हैं वो ज़्यादातर इंडोर गेम खेलना पसंद करेंगी, लड़के हैं तो वो आउटडोर गेम खेलना पसंद करेंगे। उसी तरह से एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। जैसे आप शहरी एनवायरनमेंट ले लें और गांव का वातावरण ले लें, गांव के वातावरण में बच्चों को खेलने के लिए तमाम सुविधाएँ, जैसे बड़ा मैदान है, बच्चे ग्रुप में खेलते हैं, उनका पीयर ग्रुप है, वो फिजिकल खेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि शहर में जहाँ पर जगह नहीं है खेलने की, बच्चे वहाँ पर ज़्यादातर सीमित हो गए हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, उनका मेंटल गेम ज़्यादा होता है। उसी तरह से अमाउंट ऑफ लेजर टाइम, अब कितना लेजर टाइम उनके पास खाली समय है। जैसे अगर हम लोग शहरों में देखा जाए तो बच्चे स्कूल से आते हैं, उसके साथ ही साथ उन्हें कई प्रकार की एक्टिविटी करनी है, डांस क्लास जाना है, बहुत सारी क्लासेस उनको अटेंड करनी है, तो उनको उतना समय नहीं मिल पाता। बल्कि कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास पर्याप्त समय खेलने के लिए मिल जाता है। तो बच्चे के पास कितना समय उन्हें मिल जाता है खेलने के लिए, ये भी प्रभावित करता है बच्चों के खेल को। अगला है प्ले इक्विपमेंट। बच्चों के पास खेल के कितने साधन हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के पास महंगे साधन उपलब्ध हों खेल के।
कई बार बच्चों का अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो कई बार बच्चे बहुत सी जुगाड़ करके भी अपने लिए खेल बना लेते हैं। कई सारे वो कागज पर खेल अपने डेवलप कर लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इक्विपमेंट बच्चों के पास किस तरह का है, ठीक है। तो खेल कई बच्चों के पास बहुत सारी खेलने की सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं होती हैं, कुछ बच्चे अपने से क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी ज़रूरी होता है कि खेलने की कितनी साधन उपलब्ध हैं, कितने उपकरण बच्चों के पास हैं। अगला है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। बच्चों के, मान लीजिए बच्चा मेंटल गेम खेलता है, कई सारे पजल सॉल्व करने हैं, या आजकल वीडियो गेम भी ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल वीडियो गेम्स आ गए हैं जिनको बच्चा सॉल्व करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि बच्चे का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है और इकोनॉमिक कंडीशन, क्या फैमिली एफर्ट कर पा रही है, क्या परिवार उन्हें खेलने की सुविधाएँ दे पा रहा है। तो ये भी प्रभावित करते हैं कि बच्चे किस प्रकार का, अगर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो बच्चे ज़्यादातर अपने फील्ड में गेम्स खेलते हैं, अपने साथी समूह के बीच में गेम्स खेलते हैं। लेकिन ये एक बैक ड्रॉ है कि जिस फैमिली में मदर फादर वर्किंग है, वो ज़्यादातर परिवार बच्चों को मोबाइल लैपटॉप ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं, और बच्चे फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ करके उन्हीं मोबाइल और टीवी पर ही सीमित रह जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्ले जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है बच्चों के जीवन में निभाता है, क्योंकि खेल ही वो माध्यम है जो बिना किसी निस्वार्थ, बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के बच्चे अपने खाली समय में बिना किसी उद्देश्य के पूर्ति करते हैं। और बिना किसी उद्देश्य के इस खेल के पीछे बहुत सारा विकास छुपा हुआ है, जो शारीरिक मानसिक सामाजिक नैतिक और जो है आत्मसंतुष्टि, बहुत सारी इसके पीछे ऐसी क्रियाएं छुपी हुई हैं जो बच्चे का पूरी तरह से डेवलपमेंट करती हैं। यानी कि प्ले रिड्यूसेस चिल्ड्रंस स्ट्रेस, सपोर्ट इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी एंड इज समथिंग चिल्ड्रन कैन ओन। यानी कि बच्चे के अंदर से एक स्ट्रेस को निकालने के लिए, बच्चों के अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए खेल जो है एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप पूरी तरह से अपना ख्याल रखिए, इस पेंडेमिक कंडीशन में अपना ध्यान रखिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, और जो अपने स्टडी पर भी पूरी तरह से फोकस करिए और अपना पूरी तरह से ध्यान